भाजपा प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ के शहर आगमन पर भाजपाइयों ने उनका जोरदार स्वागत किया। अपने संबोधन में श्री गिलुआ ने खरसवा की घटना की तीव्र निंदा की और इसे प्रशासनिक चूक करार दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ का साक्षी भाजपा कार्यालय में जोरदार स्वागत किया गया। श्री गिलुआ ने खरसवा में शहीद स्थल पर हुए घटना की तीव्र निंदा की और इसे प्रशासनिक चूक करार दिया। उन्होंने कहा, राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि झाबुमो ओछी राजनीति पर उतर आई है। चारों ओर इस घटना की तीव्र निंदा हो रही है। कल की घटना के बाद विपक्ष की करतूत और मंसूबे का पता भी चल रहा है। वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता भरत सिंह ने भी जोर शोर से प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। हम कह सकते हैं स्पष्ट रूप से कि प्रतिपक्ष के लोगों ने सरकार के विरोध में नारा लगाना प्रारंभ किया, कई प्रकार के नारे लगाए, लेकिन मैं कह सकता हूं कि अरे हम लोग तो सभी लोग गए हैं शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। नारा लगाना या और भी कुछ करना उसके लिए कई और अन्य जगह भी हो सकते हैं, दूसरे जगह भी किए जा सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा सरकार का विरोध में नारा लगाना और शहीद स्थलों पर, तो शहीदों का कहीं ना कहीं अपमान हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं उसका चेहरे पर जो मुस्कानें दिखाई पड़ रहा था, मुझे उसकी राजनीतिक जमीनें खसक चुकी है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं जिसकी जमीन खसकती है तो जैसे लोग बोलते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चे खिसियाने बिल्ली खंभा नोचे टाइप का हालात कर हम लोग ने देखा। कहीं रिपोर्ट जाता है, कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक तो हुई है, मैं इसको मानता हूँ। लेकिन आप जहाँ पर शहीद का बेदी बना है, सबको वहाँ स्वतंत्र अधिकार है वहाँ जाने का ना, सबको अधिकार है, सबको राइट है, हमको भी आपको भी, क्योंकि जो शहीद होते हैं वो राज्य के लिए होते हैं, देश के लिए होते हैं, समाज के लिए होते हैं। सबका राइट बनता है, सबका अधिकार बनता है। मुझे लगता है इस नाते उसको भी छोड़ दी गई होगी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर के हम यह बता सकते हैं कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक हुई है। उन हाथों को माथे पर रखने को दिल चाहता है जिन्होंने पथरीली जमीन को पसीने से सींच कर उस बंजर जमीन पर हरियाली फैला दी। मध्य प्रदेश में जन्म लेने के बाद भी उन्हें ठिकाना नहीं मिला, लेकिन झारखंड की धरती ने इस परिवार की परवरिश को अपना लिया। यही कारण है कि रहरगोड़ा के गांधीनगर में आकर इन चार पांच परिवार के लोगों ने पथरीली जमीन को अपनी मेहनत का सबब बनाया और अब उनकी मेहनत के बल पर ही गांधीनगर पहाड़ को सब्जी बाग के रूप में जाना जाता है। देखिए एएमजी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। जी हाँ, मध्य प्रदेश के सिंधी जिले के रहने वाले पांच परिवार के लोग अपना पेट पालने के खातिर अपने गांव से करीब 1500 किलोमीटर दूर आकर खेती कर रोजगार चलाने के साथ साथ बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। वर्ष 2009 में रोजगार के नाम पर जब इन परिवार के पास कुछ भी नहीं बचा तो वे लोग झारखंड के ही एक व्यक्ति के कहने पर जमशेदपुर आ गए। जमशेदपुर आने के बाद चारों परिवार डुमका गोड़ा गांव में रहने लगे। उसके बाद ये लोग खेती के लिए जमीन की तलाश की। कई माह तक तलाश करने के बाद कुछ आदिवासी समुदाय के लोगों ने इन लोगों को खेती करने के लिए किराए पर जमीन दिया, लेकिन वो भी पथरीली जमीन देखने के बाद कुछ लोगों ने इसे लेने से भी इनकार कर दिया था। लेकिन कोई और विकल्प नहीं होने के कारण पथरीली जमीन पर ही खेती करने की ठान ली और आज अपनी लगन और मेहनत से पूरे इलाके में हरियाली फैला दी। इसे आसपास के लोग सब्जी बाग के नाम से जानते हैं। दो वर्ष में ही बंजर जमीन को इन्होंने उपजाऊ बना दिया। हाँ सर, हम लोग यहाँ पर मध्य प्रदेश से आए को अपना परिवार पालन है, सफा सुफा कई का मेहनत कई का पथरा बीन बानी के सब अपना मेहनत कर रहे हैं सर। इसी से बाल बच्चा पाल रहे हैं, इसी से मलिकाओं को दे रहे हैं, इसी से अपना बाल बच्चा पाल रहे हैं। क्या क्या चीज का खेती करते हैं? खेती सर यही गोभी है, टमाटर है, लाल साग है, सरसों है, पालक है, मेथी है, धनिया है, सभी चीज। कहाँ से लाते हैं? पानी नाला से उठाते हैं सर। सरकार की तरफ से कोई सुविधा है? कुछ नहीं सरकार से, इससे हम लोगों को तो कुछ नहीं मिल रहा सर, पखौरा का वो है सुविधा। वही सुनीता तिवारी ने बताया कि जब उन लोगों को जमीन मिला तो उसके पास कुछ भी नहीं था, चारों ओर बड़े बड़े पेड़ और पूरा खेत पथरीला था। फिर सभी परिवार के लोगों ने एक समूह बनाकर पैसा इकट्ठा किया
उसके बाद 20,000 रुपए में जेसीबी को ठीक किया, फिर जेसीबी की मदद से खेत के बड़े बड़े चट्टान को हटाया गया। समतल होने के बाद दिन रात मेहनत कर एक वर्ष तक खेत से पत्थर चुने, उसके बाद ट्रैक्टर किराए पर लाकर खेत को कोड़वाया, खाद डालकर उसे उपजाऊ भी बनाया। जब खेती की मिट्टी फसल के अनुरूप हो गई तो उसमें खेती का काम शुरू किया। यहाँ आए हैं हम लोग का, वहाँ खेती बाड़ी कुछ नहीं है तो यहाँ आए हैं कमाने खाने, अपना बाल बच्चा चलाने आए हैं। इसमें जिस भी उस भी चलवाए पैसा इधर उधर से कर्जा निकाल के, और जिस भी चलवाए पहाड़ था पूरा कटवा के जंगल झाड़ी सब हटा के 2 साल इसमें पत्थर बिने मेहनत करके तो अपना इसमें अभी साग भाजी रोप रहे हैं। वो लोग से आदिवासी लोग से खेती लेके सुबह हम लोग उठ जाते हैं 3-4 बजे उठ जाते हैं। हाँ, बाल बच्चा सब मिलके 3-4 बजे उठ जाते हैं, भर दिन अपना काम करते हैं। बहरहाल ये दृश्य देखकर कहीं ना कहीं हमें ये एहसास होता है कि भले देर से ही सही पर मेहनत रंग जरूर लाती है। जरूरी ये है कि हम इसके लिए प्रयास लगातार जारी रखें, क्योंकि सफलता मिनटों में नहीं मिलती और मेहनत कभी बेकार नहीं जाता। और राज्य के बाहर से आए इस परिवार ने ये बखूबी साबित कर दिखाया है। एमजी न्यूज के लिए सुमित कुमार की ये रिपोर्ट। दिव्यांग IRS अधिकारी अजय सिंह की जीवनी पर आधारित फिल्म अजब सिंह की गजब कहानी की म्यूजिक लॉन्चिंग आज माइकल जॉन ऑडिटोरियम में की गई। दिव्यांग IRS अधिकारी अजय सिंह की जीवनी पर फिल्म बनाया गया है। फिल्म का नाम अजब सिंह की गजब कहानी है। फिलहाल जॉइंट डायरेक्टर इनकम टैक्स कमिश्नर के पद पर रांची में वे पद स्थापित हैं। इस फिल्म का निर्देशक ऋषि पी मिश्रा हैं, वह निर्माता विनोद कुमार हैं। इस फिल्म में संगीत वेद शर्मा, तन्मय पावा एवं सुशांत शंकर ने दिया है। वहीं गायक व गायिका कृष्ण बरुआ, शबाब सबरी, वेद शर्मा, पृथ्वीराज सिंहदेव, अनिंद्य चक्रवर्ती, रोहित अखौरी एवं गायिका पामेला जैन व तरन्नुम मल्लिक हैं। म्यूजिक की लॉन्चिंग आज धूमधाम से की गई। इस अवसर पर शहर के गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। उन्होंने उन्हें शुभकामनाएं दी।